ऑल राइट, सो गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक एक्सोर में जो नए मॉडल आ रहे थे वो एपेक्स में थे। अभी फाइनली एक्सोर ने स्ट्रीट में नए मॉडल लॉन्च किए, तो आज का जो ब्लॉग रहेगा इसमें हम लोग स्ट्रीट में कौन से नए ग्राफिक्स आए हैं, क्या कलर स्कीम मिल रही है, मैट में भी है, शाइनी में भी, जो भी है सब इसमें डिटेल रिव्यू देने वाले। तो मुरली करते चालू। तो एक काम करते, तू यही बता देना कि स्ट्रीट में कौन से नए आए। तो स्ट्रीट में तो जो अपने पास नए ग्राफिक एकदम लेटेस्ट में, वो ये तीनों इधर ही लगाया ना तूने। लास्ट जो सीरीज था स्ट्रीट का ये था, बैटमैन डीसी मॉडल। ये तो डीसी मॉडल मतलब स्ट्रीट लुक में ही था ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद अब भी जो लेटेस्ट मतलब रिसेंटली जो लॉन्च हुआ ये है जैजू एक्सोर जैजू। मतलब इसके पहले देखा अपने को तो मालूम है कि एक्सोर का एपेक्स मॉडल है वो जितना भी बहुत अच्छा ही मार्केट खा लिया ऑलरेडी। एवरीबॉडी हैव अ गुड सीरीज हंटर हो गया, बीबीड हो गया, देन ये हो रहा है कि राइट फर्स्ट, ये भी बहुत अच्छा चला, ये भी बहुत अच्छा जाता भी अपने पास। बस इसको भी थोड़ा और मार्केटिंग करके ये भी मतलब अच्छा ही लुक है, मतलब थोड़ा कार्बन टाइप लगता है मेरे को ये थोड़ा। कार्बन में भी एक है जो लास्ट में हम लोग मतलब दिखाई देंगे, क्योंकि कार्बन में एक अच्छा नया सीरीज है करके। एंड ये जाजू एक है, एंड इसके पहले एक और एक था बैटमैन हो गया। अभी क्लिक नहीं हो रहा क्योंकि एक्सोर के इतने सारे मॉडल हो गए ना, मतलब मेरे को मतलब ग्राफिक्स इतना ला रहा है ना अभी, स्ट्रीट में भी हो गया अपने एपेक्स में भी हो गया। तो बेसिकली मतलब ये है कि एपेक्स मॉडल तो बहुत अच्छा ही क्लिक कर लिया अपन ने मार्केट में, और कस्टमर रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है सबको। एक्सोर का मतलब कम्फर्टनेस वगैरह पसंद आया, तेरी कमर्स में भी थोड़े अच्छे अच्छे अपने को मिले, वॉट नीड टू कवर इन आवर वीडियो एंड ऑल एवरीथिंग। तो अभी जो नया है वो स्ट्रीट में दिस इज जाजू एक है। तो जाजू में टोटल तीन कलर्स अवेलेबल है, ग्लॉस और रिस मेटल। लास्ट टाइम जैसा मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था सबको कि बैटमैन ग्रे में ग्लॉस भी है करके, बट वो कंपनी सिर्फ रेड में ग्लॉस लॉन्च की एंड ग्रे में वो लोग ने सिर्फ मैट लॉन्च किया। तो इसमें डल और ग्लॉस दोनों है, रेड ग्लॉस रेड डल दोनों अवेलेबल है, ग्रीन में भी अवेलेबल है, ब्लू तेरे हाथ में ही है तो इसका भी ग्लॉस अवेलेबल है। ग्लॉस अपने पास इधर ही है। हाँ देख इधर ये दोनों अवेलेबल। सेम गोस विद राइड फास्ट। राइड फास्ट में भी तीन कलर है, नियॉन मतलब वही ग्रीन नियॉन हो गया, रेड हो गया, ब्लू हो गया, उसमें भी डल मैट दोनों अवेलेबल है। एंड ये और एक है जो मतलब गर्ल्स के लिए फेवरेट कलर पिंक हंटर, जो सबसे बड़ा अच्छा सीरीज है रेड ऑरेंज नियॉन में, वो पीछे उधर। फिर ये है विविड। फिर और एक हेक्स 2 करके भी एपेक्स, वो भी अपन ने कवर ही किया है, कवर किया है। मतलब ऑलमोस्ट एपेक्स के मॉडल बहुत हो गए रे मतलब। और द टू और एक अच्छी चीज क्या है, एपेक्स में एक न्यू स्पॉइलर भी आके लुक एक बड़ा दिया है, एंड ये हंटर का ये स्पॉइलर ही चेंज हो गया। भी मतलब इसका स्ट्रीट मॉडल में स्पॉइलर भी मतलब बहुत अच्छा लुक देता है, ये एक हो गया। फिर इसमें और भी कुछ और नए भी लॉन्चेस आने वाले, तो विल गेट बैक टू विद द न्यू लॉन्चेस एज वेल। उसके अलावा लेट्स गो विद फीचर्स नाउ कि इसमें फीचर्स ऐसा मतलब एडिशनलिटी क्या है। एडिशनलिटी तो सिर्फ एक ही कि सीधा मॉडल ही चेंज है। एपेक्स इज समथिंग डिफरेंट मॉडल एंड स्ट्रीट इज समथिंग डिफरेंट मॉडल। बाकी फीचर्स में कोई चेंजेस नहीं है ब्रो, मतलब सब सेम चेंजेस है। फैब्रिकेटा है, मटेरियल है, ये पिन लॉक सिस्टम है, स्ट्रीट स्टाइल लुक है, ब्लूटूथ कंपैटिबल है, एंटी स्क्रैच एज पिछले हिसाब से बोले कि वो मतलब नाम के लिए नहीं बोल सकते यार कि वाइजर्स का क्वालिटी तो बिल्ड अच्छा ही है, तो इतना ही है कि मतलब एंटी स्क्रैच नहीं बोल सकते अपन उसको, जितने भी एपेक्स में देखेंगे ना अपन, तो एपेक्स में अपने को एक्टिविटी इधर था जहाँ पे वी हैव टू ऑपरेट द स्मोक वाइजर, जिससे मतलब बहुत सारे थोड़े लोग के थे कि मतलब यार इंटरकॉम अगर मैंने इंस्टॉल किया तो मेरे को उधर वो ऑपरेट करने के लिए मतलब इंटरकॉम मेरे को पीछे लगाना पड़ा। जैसा मेरा एपेक्स मॉडल में देखेगा तो मैंने पीछे लगा दिया, बट मेरे को कंफर्ट है, बट ऐसा नहीं कि सबको कंफर्ट होना चाहिए। तो इसके लिए ये एक मॉडल इसने ऊपर कर दिया, तो इंटरकॉम इजीली आप इंस्टॉल कर सकते हैं अभी जो भी है। ये अपना वाइजर क्लिक ऊपर आ गया, उसने ऊपर कर दिया। बाकी स्टाइल थोड़ा एपेक्स से थोड़ा अलग है, थोड़ा कम्फर्ट लेवल इसमें थोड़ा ज़्यादा है, तो इसके लिए इसमें बहुत सारे नए नए ग्राफिक्स आ रहे करके। और वेट तो, में कैसा, वेट में भी डिफरेंस है दोनों के? नो ब्रो, इतना मेरे को नहीं लगता कुछ इतना डिफरेंस रहेगा। अभी देख इसका वेट है 1600 और इसका कितना अपना 1600, सेम ही वेट है, सिर्फ थोड़ा सा डिजाइन अलग है। अगर तू ये दोनों ही देख लेगा, अभी देखिए दोनों ही नए हैं एपेक्स में, ये भी नया आया फॉर मोस्टली फॉर गर्ल्स स्पेशली। मगर इसका शेल एज कम्पेयर टू इससे बड़ा दिखता है ना, ये बड़ा दिखता है, ये राउंड में बड़ा दिखता है और ये ऐसा लेंथ में बड़ा दिखता है। तो ऐसा रख के देखेगा तो इसका शेल एकदम राउंड में थोड़ा बड़ा दिखता है और ये थोड़ा ऐसा लेंथ में बड़ा दिखता है। उसके भी पीछे रीजन है, एक है स्पॉइलर, क्योंकि इसका स्पॉइलर इससे थोड़ा और आगे आता है वो डिजाइन की वजह से, और ये पोर्शन अंदर छुपता तो ऐसा लगता है कि ये अंदर है। मॉडल सिर्फ अलग है कि इसका एफएक्स बोलते हैं उसको स्ट्रीट बोलते हैं, बस उतना ही फर्क।
अगर देखो याद रहेगा तो इसमें सबसे पहला मॉडल लॉन्च हुआ था डक मॉडल, जो स्ट्रीट का जो सबसे पहला सीरीज लॉन्च हुआ था, तभी वो इतना क्लिक नहीं हुआ, बट अभी वो भी फॉर्म में, क्योंकि स्ट्रीट के मॉडल्स ही सब फॉर्म में, बाकी इंडियन मेड है तो फिर जितने भी इसका एसेसरीज है इजीली अवेलेबल है अपने पास, मैकेनिजम्स हो गया, एंटी फॉक्सिट हो गया, अभी फिलहाल इसका स्मोक वाइजर अवेलेबल है अपने पास, और भी कुछ मतलब उसके टिंटेड वाइजर हो गए या फिर रेनबो वाइजर्स वो भी आ ही जाएंगे, वो तो जैसे आएंगे वैसे अपन उसको स्टोरी में पोस्ट कर देंगे। और कंफर्ट के बारे में, एपेक्स से कोई ज्यादा कंफर्टेबल लगता है स्ट्रीट? मेरे को स्ट्रीट, मैंने रिसेंटली स्ट्रीट का एक ऐसी मतलब एक राइड किया था, अपने ही ग्रुप से एक दोस्त ने हेलमेट लिया था, तो उसने बोला था कि मुरली तू एक बार ट्राई कर ले थोड़ा रिव्यू के लिए, मतलब तू देता रहता तो कस्टमर्स को भी पता चलना चाहिए स्ट्रीट अभी, क्योंकि अभी एक्चुअली वो नया हुआ ना यार मेरे लिए, क्योंकि इसके पहले सब एपेक्स मॉडल यूज़ किया था, तो एपेक्स मॉडल सेम ही लगेगा अपने को, तो स्ट्रीट थोड़ा सा एक नया लगा क्योंकि उसमें उन्होंने चेंजेस भी किया है, मतलब कंफर्ट के हिसाब से स्ट्रीट अच्छा है, तो उसके हिसाब से। बाकी हेलमेट सेफ्टी एंड ऑल वाइज में दोनों मॉडल बहुत अच्छे हैं, दोनों मॉडल अच्छे ही है, मतलब कंफर्ट वाइज कैसा होता है ना, तो ये हो गया मेरा कंफर्ट, सामने वाला जब पहनेगा कि उसको कंफर्ट किस में, किसी किसी को एकदम पैक अच्छा लगता है, किसी किसी को थोड़ा फ्रीनेस चाहिए लगता है वैसा, उसके तो मॉडलर हेलमेट प्राइस में कुछ चेंजेस नहीं है, ये वाले मॉडल में कुछ चेंजेस नहीं है, ये दोनों मतलब एपेक्स भी सेम रेंज में, इसमें भी सेम, मतलब जो 4994 जो अपना प्राइस है उस पे सेम प्राइस, प्राइसिंग में कोई चेंजेस नहीं है। या ग्राफिक तो मस्त दिख, ग्राफिक तो थोड़ा फोटो शूट्स में मतलब अपन अच्छी तरह से दिखा देंगे, क्योंकि वीडियो में कस्टमर भी इतना देख नहीं पाएगा, तो जो भी इसका एक मिनट मैं तो बीच में ये करता हूं, जो भी इसका पर्सनल फोटो रहेगा, मतलब हम हर हेलमेट का फोटो है ना मुरली के प्रोफाइल पे, जो पेज है हमारा प्रोमोट वाला, उस पर मैं पोस्ट करते रहेंगे, मुरली पोस्ट करते रहेगा, जो अपडेट रहेगा ना आपको, तो आप उसमें डिटेल में देख पाओगे हर एंगल से वो कैसे दिख रहा है हेलमेट, तो आपको मतलब एक बोलते ना जज करने के लिए अच्छा रहेगा क्या कैसा दिखता है एक्चुअल में, वो वीडियो में इतना नहीं हो पाता, मगर फोटोज में अच्छे से देख लूंगा आप लोग। और डीएम करके वैसे तो मतलब फोटोज इज नॉट अ इजी थिंग, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मतलब मेरे पेज पे मिलेगा, यू कैन एक्सोर के वेबसाइट में भी देख सकते हैं, जो मतलब कंपनी है जो अच्छी तरह से ब्रांडिंग करती है उसका वो आप दिखाई देंगे, बट क्वेरीज के लिए इफ यू वांट मतलब जितने भी हमारे जैसे रिटेलर शॉप है जो मतलब हम लोग इनडेप सब कुछ देख के मतलब लेते हैं, इट्स अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 5000 हेलमेट, मतलब सामने जब तुम भी लेंगे ऐसा बहुत लगना चाहिए कि हाँ 5000 सही जगह पे डाला हो, तो उसके लिए यू कैन डीएम अस, मतलब पर्सनल डीएम करके पूछ सकते हैं कि या फिर आपने इसके पहले एपेक्स मॉडल यूज किया रहेगा, अगर कोई शिफ्ट करना चाह रहा है कि और एक हेलमेट ले लो करके, जैसा अभी मेरे को हो गया एक्सोर लेके अराउंड 4 इयर्स, तो बट मैंने कम यूज़ किया तो फिर इट्स फाइन फॉर मी, बट कोई कोई रहता है जो डेली यूज़ करता है या और राइड के लिए भी यूज़ करता है, तो नया कुछ हेलमेट लेने के लिए वापस सेम अमाउंट इन्वेस्ट करूँ या फिर उससे ऊपर करूँ, बट आई थिंक सेम अमाउंट में अगर अपने को और अच्छा हेलमेट मिल रहा है उससे तो फिर यही ठीक है ना अपने को। और ये जो नया कार्बन, ये यार बहुत मतलब कार्बन इसके पहले भी था अपने पास, होता कार्बन वो एक नियॉन बॉर्डर आता था उस पर, एंड दिस इज कम्प्लीटली फुली ब्लैक कार्बन, इसका ना एक्चुअली ना वीडियो में पता चलेगा ना फोन में पता चलेगा, इसको सामने देखेंगे तो ही पता चलेगा कि ब्रो ये हेलमेट क्या है, बहुत वेटलेस हेलमेट है, बहुत लिमिटेड क्राउड लेती है इसको, थोड़ा कॉस्टली भी है बट फाइन, मतलब एक बहुत क्लासी लुक देता है एक्चुअली, सी ग्राफिक्स एंड ऑल थोड़ा फंकीनेस एंड ऑल वगैरह तो एक अट्रैक्शन तो देता ही है अपने को, बट सिंप्लिसिटी इज मच बेटर देन द ग्राफिक, और प्योर कार्बन है, मतलब पूरा कार्बन फिनिशिंग है, और कार्बन का तो पहले से ही सब अपन फैन ही है, अपन अपनी गाड़ी भी रैप करना चाहते तो किधर ना किधर एक जगह पे कार्बन फिनिशिंग करते ही है, और वो भी चेक करते हैं मटेरियल कैसा वगैरह करके, अब एक्सोर जैसे कंपनी ने मतलब अगर कार्बन डाला ही है एंड इतना प्राइस रखे तो वी शुड ट्रस्ट देम कि मतलब कार्बन ही डाला रहेगा फिनिशिंग, बस इसमें भी अगर थोड़ा स्पॉइलर दूसरा आ जाए ना, स्पॉइलर तो वैसे लगाने का ये भी लगा सकते हो उसमें, लगा सकते बट ये रेंज मॉडल में आता ना तो ये इसका थोड़ा लेंथ कम रहेगा, आई थिंक स्टार्टिंग मॉडल है वो, अभी तो और देगा
अभी नेक्स्ट नेक्स्ट अपने को मतलब मोस्टली वीडियोस भी अपने एक्सोर के ही है, और भी है जो मतलब नए हेलमेट्स, देखो तो बोला ही है कि कुछ नया हेलमेट्स अपन राइडर्स लोग के लिए लेके आएंगे थोड़ा 4,000 से 5,000 के बीच में, हाँ थोड़ा मिड रेंज में, के साथ सब जो भी है 5 से स्टार्ट हो रहा है थोड़ा प्रीमियम में, 5 to 6 फिर 9 तक हो गया अभी है, हाँ तो थोड़ा कैसा 4 to 5 में एक नया हेलमेट अपन लॉन्च करेंगे, वो भी अच्छा है विद एंटी फॉग सब कुछ फीचर्स है उसमें, तो मतलब बजट हेलमेट भी, हाँ वो भी अगर हेलमेट आपको मतलब हेलमेट का वो वीडियो अपने को अच्छी है तो एक बार कमेंट कर देना उसके ऊपर, क्योंकि फिर वो भी वीडियो के ऊपर अपने पास एकदम रिव्यू देंगे डिटेल में कि वो हेलमेट कैसा है क्या और बजट के इसमें रहेगा, तो एक प्लस पॉइंट रहेगा वो वीडियो। इंडियन कंपनी है आई थिंक बहुत कम लोग ने सुना है क्योंकि उसका मार्केटिंग नहीं हुआ, क्योंकि मैंने भी रेयरली सुना था, माइट भी किसी ने सुना रहेगा देखा भी रहेगा वो हेलमेट, लेकिन आई थिंक नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा उसका वीडियो भी, नेक्स्ट वीक तक वो वीडियो भी मिल जाएगा, इट्स ऑल्सो नाइस हेलमेट। कोई है कि मतलब नेक्स्ट वीक तक सोच रहे कि कुछ नया हेलमेट लेने का विच इज यूजर फ्रेंडली और एक बजट में मिल जाए, तो यू कैन जस्ट विजिट और चेक कर लेना, अगर बहुत दूर रहते तो फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो सबके लिए बना है, हां डायरेक्ट डीएम करके भी आप इंक्वायरी तो उसके बारे में कर ही सकते हैं। श्योर, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, फॉर टुडे गाइस, और कुछ बोलना है? और कुछ नहीं, जितने भी राइडर्स लोग राइड कर रहे हैं राइड सेफ, एंड कभी टाइम मिला तो इधर भी विजिट कर लेना।